एजुकेशन डिपार्टमेंट, होश में आओ, होश में आओ। डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू कश्मीर, होश में आओ, होश में आओ। डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू कश्मीर, होश में आओ, होश में आओ। डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू कश्मीर, होश में आओ, होश में आओ। डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू कश्मीर, होश में आओ, होश में आओ। चेयरमैन एफएफसी, हाय हाय हाय। 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 एलजी प्रशासन, हाय हाय। एलजी प्रशासन, हाय हाय। एलजी प्रशासन, प्राइवेट स्कूल माफिया, हाय हाय। एजुकेशन माफिया, हाय हाय। प्राइवेट स्कूल माफिया, हाय हाय। डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू कश्मीर, हाय हाय। डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू कश्मीर, हाय हाय। डायरेक्टर एजुकेशन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि तीन दिन के धरने पे हम बैठे थे, आज तीसरा दिन है हमारा, एजुकेशन माफिया, प्राइवेट स्कूल माफिया के खिलाफ। और हमने जितने भी संस्थाएं थी, जितने भी लीडर थे, जितने भी हमारे सोशल एक्टिविस्ट थे, जितने भी ट्रस्टी थे, जितने भी एनजीओ थे, सबको इनवाइट किया था। हम शुक्रिया अदा करते हैं हिंदुस्तान शिवसेना के यूथ का, हिंदुस्तान शिवसेना की टीम का, जो आज हमारी स्पोर्ट को यहाँ पे आई, हमारा हौसला बढ़ाया। ये जो मुद्दा है, ये हर वर्ग से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इसमें कोई सियासत नहीं है। ये मुद्दा जो है हर बच्चे बच्चे के घर घर से जुड़ा हुआ मुद्दा है, गरीब हो, अमीर हो, मध्यम वर्ग हो। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जम्मू कश्मीर का एक भी लीडर, हमने बीजेपी को बुलाया, कांग्रेस को बुलाया, एनसी को बुलाया, पीडीपी को बुलाया, हर एक पार्टी को बुलाया कि आइए हम नॉन पॉलिटिकल यहाँ पे बैठे हैं, हमारा साथ दीजिए, एजुकेशन माफिया के खिलाफ खड़े हो जाइए, एकजुट हो जाइए, हमें ये फाइट करनी है और घर घर के बच्चे की एजुकेशन जो है उसको बचाना है लुटने से। लेकिन कोई नहीं आया। आज तीसरा दिन है हमारा, लास्ट दिन है, देखते हैं शाम तक कौन आता है। हम हिंदुस्तान शिवसेना का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, आइए हमें सपोर्ट के लिए आए, और पेरेंट्स जो आए हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। पेरेंट्स की मजबूरी का फायदा मत उठाओ। मैं कहना चाहता हूं डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू कश्मीर को, पेरेंट्स की मजबूरी का फायदा मत उठाओ। पेरेंट्स की मजबूरी है, उनके बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं इसलिए वो बाहर नहीं आ सकते, तो आपकी रिश्वत ज्यादा दिन नहीं चलेगी। मैं स्कूल गिनवा सकता हूं आपको, मैं बताता हूं, श्री राम यूनिवर्सल स्कूल, प्रभु श्री राम जी के नाम से स्कूल रखा है, हमें बोलते हुए भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन प्रभु श्री राम जी के नाम से स्कूल रखकर पेरेंट्स को लूटा जा रहा है। श्री राम यूनिवर्सल स्कूल, जिसने 9000 रुपया लेना था, 9700 रुपया लेना था, 17000 रुपया पेरेंट्स से कि 5 मिनट का हमें समय दीजिए एलजी साहब, फिर आपको पता चलेगा कि सच क्या है तो झूठ क्या है।